कुर्ते और कुर्ता सेट का रिव्यू शेयर कर रही हूँ। ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आपको अमेजोन पे मिल जाएंगे। जी हाँ, मैंने इन्हें अमेजोन से परचेस करा है। इनके सभी के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूव करते हैं। सो जो फर्स्ट कुर्ता मैं आप लोगों के साथ गाइस शेयर कर रही हूँ वो है एक अनारकली कुर्ता। इसका प्रिंट और पैटर्न मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा लेंथ में भी बहुत ज़्यादा है, तो एज ए मैक्सी ड्रेस भी आप इसे वेयर कर सकते हैं। तो इस तरह का आपको दिखता है, ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर में है। कुर्ते का जो ब्रांड यहाँ पे दिया है विच इज़ अंजू श्री चॉइस करके, और प्राइस की भी डिटेल यहाँ पे दी है। एज यूजुअल सब ज़्यादा ही रहता है, बट ये आई गेस 390 रुपीज़ में मैंने परचेस करा। सभी के बाय द वे एग्जैक्ट प्राइस के जो पिक्चर्स हैं मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा दूंगी, आप देख सकते हैं। तो इस तरह का ये कुर्ता है गाइस। इसकी जो लेंथ है बहुत ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा घेर भी मिल जाता है आपको इस तरह का। और बाय द वे इसका जो नेक है आप वो देख लीजिए, पहले मैंडरिन कॉलर मिल जाएगा आपको इस तरह का। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्लोथ के जो बटन्स होते हैं उस तरह के बटन्स बनाए गए हैं, ये ओपन भी नहीं होते। ये पैटर्न है, ये ब्लैक कलर का कपड़ा लगा के इन्होंने इस तरह का पैटर्न बनाया है। आपको जो स्लीव्स मिलती हैं ये हाफ स्लीव्स आपको मिल जाती हैं। और इसका जो फैब्रिक है वो गाइस रेयॉन है, अच्छा रेयॉन है, सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा मटेरियल है इस तरह का। ब्लैक एंड वाइट जो इक्कत का प्रिंट होता है ना, आई गेस उसे वही बोलते हैं, तो उसी तरह का ये पैटर्न है। इस तरह की कुर्ती दिखती है, ब्लैक से भी इस तरह का प्रिंट है और फ्रंट में भी कुछ इस तरह का ही प्रिंट है। नीचे से आप देख सकते हैं, यू कैन ईजिली सी कितना अच्छा खासा घेर मिल रहा है आपको, और एग्जैक्ट जो है डिटेलिंग आपको ट्राई ऑन में दिख जाएगी। तो ये देखिए वियर करने के बाद कैसा लगता है। तो और इसमें जो साइज़ मैंने मंगाया है गाइस वो है मीडियम, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये कुर्ता वियर करने के बाद। वो आगे ट्राई ऑन में आप देख सकते हैं। तो यार ये मेरी फर्स्ट परचेज थी अमेजोन से। मूव करते हैं नेक्स्ट कुर्ते की तरफ। सो गाइस जो नेक्स्ट कुर्ता मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, दिस इज स्ट्रेट कुर्ता, इस तरह का दिखता है। इसका प्रिंट और कलर कॉम्बिनेशन एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ब्रांड जो है वो MYX, अमेज़ॉन का खुद का ब्रांड है। अमेज़ॉन ने कई सारे ब्रांड अपने लिस्ट कर रखे हैं अमेज़ॉन पे, तो ये उसका है। इस तरह का दिखता है ये कुर्ता, बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है इसका। प्राइसिंग जो यहाँ पे दी गई है एज यूजुअल सभी कपड़ों में जो ज़्यादा दी रहती है विच इज़ 999 रुपीज़, बट ये अंडर 500 रुपीज़ मैंने परचेस करा। इस तरह का दिखता है ये। फ्रंट में आपको जो नेक मिलता है वो मैंडरिन कॉलर और 3/4 स्लिप्स मिलती है। यहाँ पे इन्होंने अलग से क्लोथ लगा के इस तरह का कुछ पैटर्न बनाया है, और ये जो बटन आपको दिख रहा है ये ओपन हो जाता है। तो इस तरह का दिखता है ये कुर्ता। नीचे से भी आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ राउंड है ये, और हाई एंड लो थोड़ा सा पैटर्न है। वेयर करके मैं ट्राई ऑन में दिखा दूंगी तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बाय द वे बैक साइड में और फ्रंट में दोनों में सेम प्रिंट है, तो इस तरह का दिखता है। बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, मुझे एक्चुअली ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इसका जो फैब्रिक है गाइस वो कॉटन है, बहुत अच्छा वाला कॉटन है। इस कुर्ते में आप लोगों को ये जो बटन दिख रहे हैं ये सारे के सारे ओपन होते हैं। आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में, ये जो बटन्स आपको दिख रहे हैं ये सारे ओपन होते हैं। मतलब एज ए कुर्ती तो आप इसे वेयर कर सकते हैं और एज ए श्रग भी आप इसे वेयर कर सकते हैं। तो यहाँ दिस इज अवर सेकेंड कुर्ती फ्रॉम अमेजोन, काफ़ी सुंदर सी कुर्ती है, आप इसे डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। और मटेरियल तो ऑसम है, एकदम कॉटन वाला फैब्रिक है इसका, बिल्कुल सी थ्रू भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है ये। बाय द वे लुक वाइज कैसा लगता है आप ट्राई ऑन में देख सकते हैं। सो गाइस जो नेक्स्ट कुर्ता मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, दिस इज़ कुर्ता सेट। मतलब आपको कुर्ता भी मिलेगा इसमें, प्लाजो भी मिल जाएगा और इसमें ये दुपट्टा भी मिलेगा। बट इसके साथ एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ हुई है एक्चुअली मेरे साथ। इसका जो पिक था उसमें जो दुपट्टा था वो इतना ज़्यादा सुंदर था, सिर्फ दुपट्टा ही देख के एक्चुअली मैंने परचेज करा था उसे। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ कि किस तरह का दिखता था, और ये जो दुपट्टा मुझे मिला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बाय द वे आपको मैं पहले कुर्ता दिखाती हूँ। इस तरह का कुर्ता आपको मिलता है प्लेन, और ये
ब्रांड जो है गोश रिकी करके कोई ब्रांड है उसका है, और आई गेस नो प्राइसिंग की डिटेल यहाँ पे नहीं दी गई है, बट आई गेस मैंने इसे 699 रुपीज़ में परचेस करा था। एग्जैक्ट प्राइस की जो पिक्चर है मैं आपको डिस्प्ले पे लगा दूंगी, आप देख सकते हैं। तो इस तरह का कुर्ता दिखता है गाइस, पूरा स्ट्रेट कुर्ता है और फैब्रिक जो है इसका कॉटन है, बट थोड़ा सा सिल्क जैसा टच आ रहा है इसमें, थोड़ी सी शाइन है कुर्ते में, आई गेस आप लोगों को कैमरे में भी नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह का दिखता है, और ऊपर से आपको जो नेक मिलता है कुछ इस तरह का है, राउंड नेक, और यहाँ पे कुछ इन्होंने क्लोथ के जो बटन्स होते हैं वो लगा के पैटर्न बनाया है इस तरह का, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और साइज़ जो मैंने मंगाया है इसमें विच इज़ मीडियम, मीडियम साइज़ में मंगाया है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। पूरा स्ट्रेट है, ये प्लेन कुर्ता है, कुर्ता सेट पूरा प्लेन है। चुन्नी जो इसका दुपट्टा जो था वही देख के एक्चुअली मैंने ऑर्डर करा था जैसे मैंने आपको बताया, बट बहुत ही बेकार इन्होंने दुपट्टा भेजा है। बट कुर्ते का जो फैब्रिक है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है और पहनने पे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है इसमें दुपट्टे की। कुर्ते के साथ आपको प्लाजो मिलता है, वो भी पूरा प्लेन है, पूरा कुर्ता एक्चुअली प्लेन है। बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के कुर्ते वेयर करने पे, प्लेन हो और अच्छे से ज्वेलरी वगैरह एक्सेसराइज कर लीजिए उसे, काफ़ी सुंदर लगता है। तो इस तरह का आपको पैंट मिल जाता है, थोड़ा सा फ्लेयर्ड है ये, बहुत ज़्यादा मतलब फ्लेयर्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, सिगरेट पैंट की तरह भी नहीं है, स्ट्रेट वाले जो पैंट होते हैं कुछ उस तरह का है। और नीचे से आपको मैं दिखाऊँ, नीचे से आप देख सकते हैं इस तरह का, जैसे उसमें स्लिप्स पे लगाया था ये कोटा पट्टी, उसी तरह का लगाया गया है। तो इसका भी जो फैब्रिक है वो विच इज़ कॉटन, दोनों का फैब्रिक जो है कॉटन है, तो काफ़ी अच्छा फैब्रिक है। और ये इलास्टिक वाला इन्होंने पैटर्न दिया है वेस्ट पे, जिससे बहुत अच्छी फिटिंग आती है। तो इस तरह का आपको प्लाजो मिल जाता है कुर्ते के। तो गाइस दुपट्टे में आप देख सकते हैं इस तरह का प्रिंट हो रखा है, ये जो फॉयल प्रिंट होता है ना, गोल्डन कुछ उस तरह का प्रिंट है, और ये पूरे दुपट्टे में इसी तरह का प्रिंट हो रखा है, फ्लावर फ्लावर से छोटे से बने हैं, और जो बॉर्डर है उस पे ये इस तरह का प्रिंट हो रखा है। तो इस तरह का दुपट्टा उन्होंने दिया है, पिक्चर में आपने देखा होगा कि किस तरह का दिख रहा है और कुछ इस तरह का दिया है। तो मुझे तो बेसिकली बिल्कुल भी पसंद नहीं आया ये दुपट्टा, तो इस तरह का दिखता है। और बाकी ये वियर करने के बाद ट्राई ऑन में कैसा लगता है तो आप वीडियो में देख सकते हैं ट्राई ऑन में कि ये कैसा लगता है वियर करने के बाद। तो यार दिस माई लास्ट परचेज फ्रॉम अमेजोन गाइज। सो गाइज आप लोगों को ये हॉल मेरा कैसा लगा आप मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, और अगर आप किसी प्रोडक्ट पे या किसी हॉल को देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा, मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर करने की। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।